हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं ऑल इन वन हेल्प। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट और रेजिडेंट सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना होगा आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट का बनाने के लिए। तो हम बिहार से हैं तो हम यहाँ लिखते हैं ओबीसी सर्टिफिकेट बिहार। सर्च करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। यहाँ आप देख रहे हैं बिहार राइट टू पब्लिक सर्विस और आरटीपीएस, इन दोनों पोर्टल पे आपकी ये सभी सर्टिफिकेट्स बन सकती हैं। और भी जो भी पोर्टल्स आपको दिख रही है वो सारे पोर्टल्स आपको पब्लिक सर्विस पोर्टल पे ही ले जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। उसके लिए हम इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। राइट टू पब्लिक सर्विस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा। यहाँ से आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीएस, ओबीसी और रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। यहाँ आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, रिसिप्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक भी कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे जो हमारे लेफ्ट साइड में है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ परमिशन मांग रहा है आप ब्लॉक लेवल में बनाना चाहते हैं या सेंट्रल लेवल पे। तो आप अपने अनुसार ब्लॉक लेवल पे भी बना सकते हैं और सेंट्रल लेवल पे भी। तो यहाँ हम ब्लॉक लेवल पे ही बनाना शुरू करते हैं। यहाँ आपको अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अपना नाम फिल करना होगा और आपके मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में रजिस्टर्ड है वो ही आप यहाँ डालें, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड का ओटीपी आएगा। तो आप अपना पूरा डिटेल्स डाल लें। डालने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे आप ओटीपी को फुलफिल कर लें। अगर आपने अपना आधार कार्ड पे ईमेल रजिस्टर्ड कराया है तो आपका ओटीपी आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। अगर आपने मोबाइल नंबर रजिस्टर कराया है तो आपके मोबाइल नंबर पे, जैसे कि मैंने ईमेल रजिस्टर कराया था तो हमारे ईमेल पे ओटीपी आ गया, चाहे वो नंबर खुला हो या बंद हो। तो मैं इसे आगे का क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ आपको अपने पूरी डिटेल्स फुलफिल करनी है, आपका नाम, पिता का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम और आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस ब्लॉक से हैं, किस प्रखंड से हैं, आपका गांव क्या है, आप किस वार्ड में रहते हैं, वो आपको यहाँ फुलफिल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं प्रखंड, जिला, अनुमंडल और प्रखंड आपको फुलफिल करना है। यहाँ आप जिस डिस्ट्रिक्ट और जिस ब्लॉक से आते हैं वो आपको यहाँ फुलफिल कर लेना। उसके बाद आप अपना फॉर्म की फुल डिटेल्स यहां से चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद यहां आई एग्री पे क्लिक करना है, उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाएगा, जो आपको 10 दिनों के अंदर आपके ब्लॉक में मिल जाएगा। आप इस स्लिप को लेकर जाएं और ओरिजिनल लेकर आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं ओबीसी सर्टिफिकेट बनाने की प्रोसेस आपको बताता हूँ। सेम प्रोसेस से यहाँ आपको एग्री पे क्लिक करना है। उसके बाद अगर आप ब्लॉक लेवल से बनाना चाहते हैं तो ब्लॉक लेवल से बनाइए, अगर आप सेंट्रल लेवल से बनाना चाहते हैं तो सेंट्रल लेवल से बना सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ भी आपको आधार नंबर, नेम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा, जहाँ आपको ओटीपी मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं, अपने डिटेल्स को फुलफिल करते हैं। तो हम इसे सेंट्रल लेवल से बनाते हैं। तो हम अपने डिटेल्स को फुलफिल करना स्टार्ट करते हैं।
आप यहाँ से देख सकते हैं आय, आवासीय और जाति, ये तीनों बना सकते हैं, सेम प्रोसेस। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप अपना जो OTP आपको प्राप्त हुआ होगा वो यहाँ फिल करें। मैं फिल किए लेता हूँ। फिल करने के बाद वेरीफाई कोड पे क्लिक करते हैं। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा जहाँ से आप अपना फुल डिटेल्स फिल करें। जैसा कि हम अपना फुल डिटेल्स फिल कर रहे हैं, मैं वीडियो को थोड़ा स्किप कर दे रहा हूँ ताकि आपका ज़्यादा समय ना लगे। यहाँ मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आप एक बार फुल्ली डिटेल्स मैच कर ले, सही है या गलत। करने के बाद आप आई एग्री पे क्लिक करें, क्लिक कर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगा और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। आप यहां से अपने एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।